दोस्तों, अक्सर लोग बचपन में ही सोच लेते हैं कि उन्हें आगे बड़े होकर क्या बनना है और उनमें से अधिकतर लोग अपने लक्ष्य में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके और उनकी इच्छा उनके मन में ही दबी रह जाती है। लेकिन बिहार के रहने वाले इस शख्स ने अपने बचपन में तय लक्ष्य को इस तरह पूरा किया कि आज हर कोई उसे सलाम कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले मिथिलेश प्रकाश शुरू से ही पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक जुगाड़ सोचा, जिसके चलते उन्होंने अपनी कार को ही हेलीकॉप्टर के रूप में तब्दील कर दिया। इस शख्स के जुगाड़ू आइडिया का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसको देखने के बाद हर कोई उनकी इस काबिलियत की सराहना कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक अपनी गाड़ी रूपी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ युवक अपनी कार के अंदर बैठता है, साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि कार के अंदर हेलीकॉप्टर की तरह सारे बटन हैं, जिसे देखकर यही लगता है कि ये कोई कार नहीं बल्कि एक हेलीकॉप्टर है। कार में लगे सभी बटन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे एक बटन ऑटोमेटिक है जो कार को अपने आप ही स्टार्ट कर देता है, वहीं दूसरे बटन से कार पर लगे पंखे अपने आप चलने लगते हैं। आपको बता दें कि मिथिलेश ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए अपनी सीधी सादी नैनो गाड़ी को ही एक हेलीकॉप्टर में परिवर्तित कर दिया। साथ ही उनके इस आइडिया को लेकर अधिकतर लोगों ने उनकी तारीफ भी की है, जिसमें एक यूजर ने लिखा है कि बिहार का इंजीनियर है, कुछ भी बना सकता है। वहीं कुछ यूजर ने इस युवक के आइडिया की आलोचना भी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक हेलीकॉप्टर जो उड़ नहीं सकता और यही एक उदाहरण है मूर्खता का, लोल। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।